अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। आपको क्या लगता है कि भारतवर्ष के अंदर बाबा साहब के विचारों को ज्यादा माना जाता है या विदेशों के अंदर बाबा साहब के विचारों को ज्यादा माना जाता है, उसके बारे में बताएं। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को, भारत एक जातिवादी देश है सुंदर जी, बहुत जातिवादी देश है, और यहाँ ये महत्वपूर्ण नहीं है कि बात कितनी अच्छी कही जा रही है, यहाँ महत्वपूर्ण ये कि बात किसने कही है। अगर कितनी भी बढ़िया बात मायावती जी कहती हैं तो उसको एक जाति विशेष के लोग कभी स्वीकार ही नहीं करते। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्योंकि बात कही है तो एक भारत के अंदर एक जातिवादी व्यवस्था इस टाइप से है कि उसको स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। बाबा साहब की अपनी खुद के अनुयायियों की भारत में बहुत बड़ी संख्या है। मुझे खुशी इस बात को कहते हुए कि आज ओबीसी समाज, मुस्लिम समाज, SC ST समाज, और अगर दूसरे शब्दों में माननीय काशीराम जी के शब्दों में कहें तो 85% देश का जो समाज है वो आज बाबा साहब की सोच को लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रहा है। क्योंकि दूसरे देशों में ये जातिवाद की समस्या नहीं है, वहाँ बाबा साहब को यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है। सभी धर्मों के लोग, सभी कौमों के लोग, सभी वर्ग के लोग बाबा साहब को एक दृष्टि से देखते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनके प्रति अपने श्रद्धा अर्पित करते हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कुछ भी कार्य किए, सामने अभी पहले बताया, उन्होंने पूरी मतलब मानव कल्याण के लिए उनका कार्य समर्पित रहा, इसलिए पूरे विश्व का जो मानव जाति है बाबा साहब का सम्मान करती है। चौधरी साहब, एक बड़ा विशेष सवाल है कि बाबा साहब को आज सभी लोग मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की कितनी लोग मानते हैं उसके बारे में जरूर बताएं, भारत की बात कर रहा हूँ। देखिए, बाबा साहब के यही एक बड़ा दुर्भाग्य है कि बाबा साहब को मानना और बाबा साहब की मानना, दोनों में बड़ा फर्क है। सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब को तो मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की बात को, शायद बाबा साहब की बात को हमें दिखता नहीं वो मानते। अगर मानते हुए होते तो बाबा साहब अम्बेडकर ने गरीब तबके के लिए सरकारी क्षेत्र के अंदर 22.5% के आरक्षण की व्यवस्था की थी, और ये पैक्ट दो समाजों के बीच में पैक्ट हुआ था, इसको पूना पैक्ट कहा गया। गांधी जी अपर कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे और बाबा साहब हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। 1932 में ये पैक्ट हुआ जिसके तहत सरकार की नौकरियों में 22.5% की आरक्षण की व्यवस्था दी गई थी, लेकिन सरकारी क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया। 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में आए थे, बाबा साहब के दिए आरक्षण से आज ये घट करके 18 लाख के आसपास रह गए। 22 लाख लोग सरकार की नौकरी से बाहर हो गए हैं, 10 साल बाद ये संख्या 2-2.5 लाख के आसपास बचेगी। अगर सरकार बाबा साहब के मत, बाबा साहब की सोच को मानती, बाबा साहब की बात को मानती होती तो निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था की गई होती और सरकारी क्षेत्र का निजीकरण ना किया जाता। और इसके साथ साथ जो गरीब तबका है उसके विकास की कुछ ठोस योजनाएं होती। मैं तो बड़े दुख के साथ ये बोलता हूँ, मेरा समाज को मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि आप लोग भी इन सब चीज़ों का ध्यान दें। मैं ये कहना चाहता हूँ इस विषय में कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो विज़न था, बाबा साहब अम्बेडकर की सोच थी, वो हर गरीब आदमी तक न्याय पहुँचाने की सोच थी। और अगर बाबा साहब की सोच को सरकारों ने माना होता तो मुझे लगता है कि हर गरीब के घर पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पहुंचता, लेकिन ये सीमित दायरे में रह गया, चंद लोगों तक ये सीमित रह गया। और जहां तक बाबा साहब अम्बेडकर की, मैं तो आज ये आपके टीवी चैनल के माध्यम से समाज के लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि आप लोग जो रिजर्वेशन का इशू है, उस रिजर्वेशन के इशू में जब हम लोग गाँव में थे तो हमको नौकरी मिली थी, तो उस समय हम सब लोग करीब करीब एक जैसे थे, लेकिन जिन परिवारों को एक पीढ़ी या दो पीढ़ी नौकरी मिल चुकी हैं, जिन परिवारों को एक पीढ़ी या दो पीढ़ी सरकार की नौकरी में आ चुके हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि आपका बच्चा भी DPS में पढ़ता है? किसी सामान्य जाति का बच्चा भी DPS में पढ़ता है और आपका बच्चा भी 90% ला रहा है और आपका सामान्य जाति का बच्चा भी 90% ला रहा है? तो आपका बच्चा और गांव में जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का बच्चा जो गांव में पढ़ा हुआ है, जिसको पढ़ने के लिए किताब नहीं मिल रही है, उसको रोशनी नहीं मिल रही है, बिजली नहीं मिल रही है, क्या वो बच्चा आपके बच्चे के बराबर कम्पीट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में मैं समाज के लोगों से आज एक मतलब ये दरख्वास्त करूँगा, एक गुहार करूँगा, एक निवेदन करूँगा कि आप सब लोग एक मन बनाएं, अपने बच्चे जो अच्छे स्कूलों में आप पढ़ा रहे हैं और सरकार की नौकरी में दो पीढ़ी आपका परिवार, एक पीढ़ी परिवार आपका अगर पहुंच चुका है, तो अपने बच्चों को जनरल सीट पर सेलेक्ट करें और रिजर्व सीट जो छोटी मोटी बची हुई हैं उनको गांव के गरीब बच्चों के लिए खाली करें। अगर आप ऐसा करते हैं, निश्चित रूप से आप अम्बेडकरवाद को साक्षात मतलब आप करेंगे और उसको बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन था कि गरीब घर तक रोशनी पहुंचे, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उनके मिशन को पहुंचाने में आपकी बहुत बड़ी मदद होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।